एक एग्जाम्पल लेते हैं. एक पर्सन है एक्स एंड एक पर्सन है वाई. यहाँ पर एक्स ने वाई को बोला कि क्या आप मेरी कार परचेज करोगे. वाई ने बोला यस एट ₹6 लाख. यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है, इस केस में वाई को कार मिल रही है और एक्स को पैसे 6 लाख. वाई के लिए कार एक कंसिडरेशन है और एक्स के लिए 6 लाख रुपीज एक कंसिडरेशन है. जब दो पार्टीज को कोई भी ट्रांजैक्शन में, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ मिल रहा हो, तो इस मिलने को हम बोलते हैं कंसिडरेशन. ये सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सप्लेन्ड है. अगर आप इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मतलब एज इन दिस केस द प्रोमिसर इज एक्स एंड द प्रोमिसी इज वाई. तो डिजायर होता है प्रोमिसर का द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. यहाँ पे प्रोमिसी वाई है एंड एनी अदर पर्सन का मतलब हम अभी आगे समझेंगे. सो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या तो वो काम कर चुका है या वो काम नहीं कर चुका, जो जैसा भी केस होगा, और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, कर चुका है, कर रहा है, और प्रोमिसेस, या उसने कोई प्रोमिस किया है कि वो करेगा फ्रॉम डूइंग समथिंग सच एन एक्ट, और एब्सटेन्स और प्रोमिस, वो एक्ट या फिर वो ना करने का प्रोमिस या फिर कोई प्रोमिस, एक कंसिडरेशन माना जाता है. तो बेसिकली इस डेफिनेशन को अगर हम देखें तो इसके 4 कंपोनेंट्स हैं. कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. यहाँ पे डिजायर होना चाहिए एक प्रोमिसर का, जैसे कि एक्स का डिजायर है कि उसको कार के बदले में 6 लाख रुपीज एज कंसिडरेशन मिलेगा. देन इट मस्ट बी डन बाय द प्रोमिसी, यानी कि वाई इस केस में, तो या तो वो प्रोमिसी का होना चाहिए या फिर हम कह सकते हैं एनी अदर पर्सन. इट मस्ट बी डन बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. सी इट मे हैव बीन ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड, या तो वो काम हो चुका है पहले से ही या फिर प्रोसेस में है, ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है या फिर प्रोसेस में है या फिर फ्यूचर में होगा. या तो डन है पास्ट में, पास्ट हो चुका है, या तो प्रोसेस में है, चल रहा है अभी, या फिर आगे होगा फ्यूचर में. देन इट मस्ट बी समथिंग टू विच द लॉ अटैचेस अ वैल्यू, मतलब कोई रियल चीज होनी चाहिए जिसकी कोई वैल्यू हो लॉ की आंखों में. इन द आई ऑफ लॉ वो कंसिडरेशन का कोई वैल्यू होना चाहिए. एक वैलिड कंसिडरेशन होने के लिए कोई एसेंशियल्स होते हैं, या हम कह सकते हैं रूल्स होते हैं, जो कि एक कंसिडरेशन को वैलिड बनाते हैं. सबसे पहले कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. ये हम डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं कि हमेशा कंसिडरेशन डिजायर होना चाहिए. किसका? प्रोमिसर के डिजायर पे होना चाहिए. अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि आर ने बोला कि एस को कि मैं तेरे गुड्स फायर से तेरे गुड्स को बचाऊंगा. यहाँ पे दो पार्टी है आर एंड एस. आर क्या कर रहा है? एस के गुड्स को फायर से बचा रहा है एज अ वॉलंटरी एक्ट. यहाँ पर एस ने आर को नहीं बोला कि मेरे गुड्स फायर से बचाओ, लेकिन आर वॉलंटरी उसके गुड्स को फायर से बचा रहा है. अब एट द एंड ऑफ द डे आर एस से ये नहीं बोल सकता कि मुझे कुछ रिवॉर्ड, कुछ रिम्यूनरेशन दो, क्योंकि मैंने आपके गुड्स के फायर से बचाया. क्योंकि यहाँ पे जो प्रोमिसर है उसके कहने पर नहीं किया है उसने, वॉलंटरी एक्ट है. यहाँ पर एस का कोई डिजायर नहीं था ऐसा कुछ कि आप मेरे गुड्स को बचाओ, ऐसा कोई डिजायर नहीं था, इसीलिए एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगा. सो कंसिडरेशन को वैलिड करने के लिए ये प्रोमिसर का डिजायर होना चाहिए. देन कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. इन दिस केस 3 पार्टीज हैं ए बी सी. ए और बी का डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है. ए ने बोला आप मेरी कार लो, बी ने बोला ठीक है मैं आपको 6 लाख रुपीज दे दूंगा. लेकिन बी ने बोला क्योंकि मुझे सी से 6 लाख रुपीज लेने हैं, आप ऐसा करो डायरेक्टली सी से ही 6 लाख रुपीज ले लो. तो यहाँ पे ये जो एनी अदर पर्सन है, इसको ये पता है कि इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है और सी बी के बिहाफ में पैसे दे रहा है. तो कंसिडरेशन सी दे रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो मूव हो सकता है कंसिडरेशन फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. देन एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन. यहाँ पे ये बात मैं बोल चुकी हूँ कि एग्जीक्यूटेड या तो कोई पास्ट कंसिडरेशन है या वो चीज हो चुकी है, डन है. एग्जीक्यूटरी फ्यूचर में होगी, या हम कह सकते हैं विल बी डन, फ्यूचर में होगी. जैसे ए ने बी को बोला कि मैं आपको
टू मंथ्स में वीट प्रोडक्शन जो भी होगा वो सप्लाई करता जाऊंगा, और बी ने बोला ओके लमसम अमाउंट ले लो 2000। तो यहाँ पे जो वीट है उसकी प्रोडक्शन होगी और जो डिलीवरी होगी उस हिसाब से वो क्वांटिटी जाती जाएगी, और 2000 रुपीस भी ए को देता जाएगा पर मंथ के हिसाब से। तो अगर पर मंथ के हिसाब से देखें तो 2000 कंसिडरेशन जा रही है और यहाँ पर वीट जा रहा है। तो ये जो एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये चल रहा है और फ्यूचर में चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर या एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन अभी बाकी है। पॉइंट है पास्ट कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन में ऐसा होता है कि अगर बी के कहने पर, बी की डिजायर पर ए ने कोई वर्क किया, कोई परफॉर्म की सर्विसेज, यहाँ पर बी का डिजायर था, देन आफ्टर अ वीक ए ने बोला कि आप मुझे अब रेम्यूनरेशन दे दीजिए जो भी मैंने आपके लिए वर्क किया है। अब उस रेम्यूनरेशन के लिए अगर बी मना कर देता है तो ए बी को स्यू कर सकता है कोर्ट, क्योंकि यहाँ पर बी की डिजायर थी। तो पास्ट कंसिडरेशन भी हो सकती है, पर ये जरूरी है कि प्रोमिसर की डिजायर हो। देन फिफ्थ है कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू। ऐसा हो सकता है कि मे बी वो एडिक्वेट ना हो, मतलब मे बी नॉट सफिशियंट ना हो, बट मे बी नॉट सफिशियंट बट कोई वैल्यू होनी चाहिए, कोई रियल चीज होनी चाहिए। चाहे मैं एक प्लॉट बेच रही हूँ जिसकी मे बी वैल्यू 1 लाख हो, बट मैं उसको बेच रही हूँ 20,000 में। यहाँ पे कंसिडरेशन मे बी इज नॉट सफिशियंट बट इट इज रियल बिकॉज इट हैज सम वैल्यू। एक रूल होता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। देर आर सम एक्सेप्शंस टू इट, जहां पर कंसिडरेशन ना होने के बावजूद भी एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। हम बोलते हैं ना नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ये जो रूल है इसके कहीं एक्सेप्शंस हैं, ये लिस्टेड बिलो हैं। इन एक्सेप्शंस को अगर हम देखें तो यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है बट फिर भी वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। क्या क्या? सबसे पहला है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए बी हस्बैंड वाइफ है। ए ने बी को प्रॉमिस करा, अपनी वाइफ को प्रॉमिस करा कि मैं आपको अपनी अर्निंग्स दूंगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक लीगल रिलेशनशिप है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है पूरा कि मैं आपको अपनी अर्निंग्स दूंगा। यहाँ पे ए को कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है बट फिर भी ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। सो नेचुरल लव एंड अफेक्शन का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना। देन कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। यहाँ पे दो लोग हैं ए और बी। सपोज कि ए का जो सन है वो खो गया और बी को मिला, ठीक है, कुंभ के मेले में खो गया और बी को मिल गया, ठीक है। एक वीक तक उसने उसके ए के सन को खाना वाना खिलाया, अच्छे से देखभाल करी। अब क्या होता है कि जब सन को रिटर्न किया जाएगा ए को, और ए प्रॉमिस करता है बी को कि जो भी आपने सन के लिए किया उसके लिए मैं आपको 10 लाख रुपीस देना चाहता हूँ, ठीक है। अब वो प्रॉमिस कर चुका है, ए बी से प्रॉमिस कर चुका है कि जो भी आपने मेरे लिए किया, मेरे सन के लिए किया, वॉलंटरी सर्विस थी क्योंकि बी से बोला तो गया नहीं था कि आप ऐसा करो, बट क्योंकि भी बी की वॉलंटरी पास वॉलंटरी सर्विस थी इसके लिए जो कंपनसेशन ए देगा तो हम इसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। देन प्रॉमिस टू पे टाइम बेयर डेट। प्रॉमिस टू पे टाइम बेयर डेट, इसमें ए ने बी को लोन दिया, राइट, एंड आफ्टर 3 ईयर्स 3 साल गुजर गए लेकिन ए ने वो लोन वापस नहीं मांगा, ठीक है। 3 साल तक का लोन था लेकिन आफ्टर 3 ईयर्स भी ए ने वो लोन वापस नहीं मांगा। इस केस में क्या होगा कि बी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि वो प्रॉमिस कर चुका है ए को कि वो उसका लोन पे करेगा। तो आफ्टर 3 ईयर्स चाहे टाइम बेड हो चुका है लेकिन फिर भी बी इस पोजीशन में होगा कि बी को ए को लोन वापस करना पड़ेगा। देन कंप्लीटेड गिफ्ट। इन केस ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट्स देर आर नो कंसिडरेशन इन रिटर्न बट तब भी वो एक वैलिड होता है। जैसे कि डोनर और डोनी, यहाँ पे अगर डोनर ब्लड डोनेट कर रहा है उसको इन रिटर्न कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा, तो कंप्लीटेड गिफ्ट में जो ये रूल है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये लागू नहीं किया जाता। देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अगर कॉन्ट्रैक्ट है एजेंसी का उस केस में भी कंसिडरेशन नहीं हो लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है। देन इन केस ऑफ बेलमेंट,
बेलमैन के केस में अगर ए के पास बी के गुड्स पड़े हैं फॉर सेफ्टी, ठीक है, बी के गुड्स पड़े हैं सेफ्टी के लिए उसने उसके पास रखवाए हैं, या फिर कोई यूज के लिए रखवाए हैं, ठीक है, यूज के लिए या फिर सेफ्टी के लिए वो गुड्स बी के गुड्स ए के पास हैं, तो वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन फॉर ए. देन चैरिटी, इन केस ऑफ चैरिटी एज वेल ये रूल जो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड नहीं होता. चैरिटी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होती है विदाउट एनी कंसिडरेशन.